हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले यूट्यूब पे क्या पांडा गैंग वर्सेस सिस्टम गैंग वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी। मतलब कि एलविस यादव के बिगोस ट्रॉफी जीतने के बाद फुकरा इंसान और एलविस यादव में बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पोक एंड ट्रोल करते रहते थे। और फुकरा इंसान के दोस्त जासूस किंग ने एलविस यादव को ओपनली पोक करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसके बाद एलविस यादव ने फुकरा इंसान के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहे थे कि फुकरा इंसान ने मेरे ऊपर नेगेटिव पीआर करवाने को लेकर 25 लाख रुपीज खर्च कर डाले, जिसमें फुकरा इंसान ने इस चीज पे टोटली डिनाई कर दिए थे। और इसके बाद भी गाइस दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे में पोक करते रहते थे, जिनकी वजह से पांडा गैंग वर्सेस गैंग के फैंस आपस में लड़ाई कर रहे थे। बट गाइस, अभी यहाँ पे फिर से जियो सिनेमा ने एलविस यादव और फुकरा इंसान को आपस में मिलवा दिए। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कल एलविस यादव और फुकरा इंसान एक साथ मिले, दोनों अपने अपने इंस्टा पे वाले पिक भी शेयर करी थी, जिसके बाद से भी बहुत सारे लोगों का मिक्स ओपिनियन आ रहा है कि लोगों की कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई थी, सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। और वहीं पे बहुत सारे लोग दोनों को साथ में देख के खुश भी हैं। तो गाइस, बेसिकली फुकरा इंसान और एलविस यादव का मिलना कैसे हुआ इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भी, मैं आप लोग को बता देता हूँ। बेसिकली गाइस, जियो सिनेमा पे एक शो आने वाला टेम्पटेशन आईलैंड करके, जहाँ पे फुकरा इंसान और एलविस यादव के एपिसोड आने वाले, हालांकि दोनों अलग अलग एपिसोड में दिखने वाले हैं। तो गाइस, अभी दोनों लोग अपने अपने एपिसोड शूट करने को लेकर वहीं गए और शायद से वहीं पर उन्होंने वाली पिक को शेयर करी है। तो बाकी गाइस, आप लोगों को फुकरा इंसान और एलविस यादव को इतने टाइम बाद एक साथ देखकर कैसा लगा और इस पर आप लोग अपना क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।